विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बरेली में वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पौधारोपण किया और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसके चलते जंगलों का कटान ज्यादा हो रहा है, इसी के चलते पौधारोपण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी की सरकार आई है, तब से भाजपा ने पौधारोपण के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बरेली में भी 42,71,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। होली पे कभी मल्हार नहीं गाई जाती और सावन के महीने में कभी होली नहीं गाई जाती। वृक्षारोपण की बात हो रही है, पहुंच गए तुम वहाँ प्रभारी मंत्री होने के नाते ऐसे संगठनों पे रोक लगाने के लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं? पूरी तरह से आपको मालूम है कानून व्यवस्था के मामले में हिंदुस्तान नहीं पूरे देश पूरी दुनिया में योगी जी को जाना जाता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कार्रवाई के आसमान से दे रहे हैं आप? अब आपको मालूम है उनकी संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। लेकिन शहर में उन्हें तो रखी हुई है ना सर, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका पैसा उठा के सीधे पाकिस्तान। मेरी अपील है एक, जिसने गलत फहमी के कारण किसी ने इस तरह की गुल्लकें रखी हैं जो वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तत्काल वो हटा दें, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा। कासगंज में